नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्ज्वल झा। मोदी जी के आर्थिक पैकेज के बाद व्यापारियों पर किस तरीके का प्रभाव है और खुश हैं या नाखुश हैं, हम आज बात करेंगे कुछ व्यापारियों से, बरेली के, जो कि तमाम ट्रेड के हमारे पास व्यापारी यहां पर मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले शोभित सक्सेना जी से। शोभित जी, ये बताइए, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, इस क्या मानते हैं इसको आप? देखिए, ऐसा है, मोदी जी ने जो अब तक सारे काम करे हैं वास्तव में एप्रिशिएबल काम किए हैं। कोरोना जैसी महामारी को रोकने में जो सफल हुए हैं, मैं समझता हूँ देश का प्रधानमंत्री, इनकी जगह कोई और अगर होता तो शायद इस महामारी को रोकने में सफल नहीं हो पाता। और इस आर्थिक जो बिल्कुल स्थिति देश की चरमरा चुकी है, व्यापारी बिल्कुल बहुत त्रस्त हो चुका है, ऐसे समय में 20 लाख करोड़ का पैकेज देना व्यापारियों के लिए, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत दूरदर्शी उन्होंने जो है सोच के साथ ये लाए हैं वो। क्यों? क्योंकि इस समय जो है जो बेरोज़गारी के लिए भी लोग विपक्ष मुद्दा उठाता है, तो आज की तारीख में जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है प्लस जो बेरोज़गार है उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना लोन कराए, छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करे। और जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है जिसका व्यापार ठप हो चुका है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है, उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मोदी जी ने दी है। और मैं उनकी इस दूरदर्शिता के परिणाम को जो है बड़ी अच्छी दृष्टि से देखता हूँ और एक ये सफल प्रोग्राम होगा। क्या नाम बताओ? अमरजीत सिंह बख्शी। किस चीज़ का काम है आपका? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। काम है, ये बताइए मोदी जी का आर्थिक पैकेज को क्या मानते हैं? नहीं, मोदी जी का आर्थिक पैकेज जो है एक सराहनीय कदम है, और इतनी अपनी इकोनॉमी का इतना पार्ट लोगों को दे देना ये बहुत अच्छा कदम है, और आने वाले समय में हिंदुस्तान को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। और दूसरा, जो उन्होंने स्वदेशी की एक बात कही है, ये चीज़ अगर पहले स्टार्ट हो जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इसके साथ साथ एज ए ट्रांसपोर्टर एक बात और कहना चाहूँगा कि हर समाज को छूट दी गई है, पर मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं दर्शाई गई है। जैसे अगर और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर जो इंश्योरेंस का लोड है, जो 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये साल का इंश्योरेंस है, और गाड़ियां लॉकडाउन में खड़ी हैं और आगे भी व्यापार बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं है, अगर इस पर कुछ विचार करे सरकार और इंश्योरेंस में कोई रिलीफ दे तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या नाम है सर आपका? विशाल मेहरोत्रा। विशाल भाई, किस चीज़ का काम है आपका? मेरा कपड़े का और सराफे का व्यवसाय है। अच्छा, क्या मानते हैं मोदी जी के पैकेज को? मोदी जी का पैकेज जो है वास्तविकता में दूरदर्शी सोच है उनकी। उन्होंने जो इसमें EPF कंट्रीब्यूशन का स्कीम लेके आए हैं, निश्चित तौर पर उस पर कर्मचारियों को और नियोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सिर्फ लिक्विडिटी, जब मार्केट में पैसा होगा, पैसे का फ्लो ज़्यादा जाएगा, तो स्वाभाविक बात है हर आदमी के पास जब पैसा होता है सुख समृद्धि होगी उसकी। तीसरी चीज़ उसमें जो पॉइंट उन्होंने निकाला है वो बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, छोटे छोटे व्यापारियों को बिना सिक्योरिटी के लोन उपलब्ध कराना, ये उनकी पहल बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें बस एक प्रश्न चिन्ह ये है, क्या बैंक अपनी उस जिम्मेवारी को पूर्णतया ईमानदारी से निभा पाएंगे? यदि बैंक उस चीज़ को ईमानदारी से निभाते हैं, मोदी जी अगर इसके ऊपर कुछ फोकस रखते हैं, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि एक ये बहुत लंबा लॉकडाउन हो गया, व्यापारियों को अपने हिसाब से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने व्यापार को नींव से फिर करना पड़ेगा। उसके लिए निश्चित तौर पर उन्हें रकम चाहिए, और वो लोन अगर देता है बिना सिक्योरिटी के बैंक्स, तो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, व्यापारियों को लाभान्वित करेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दानिश जमाल है। किस चीज़ का काम है आपका? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं भी यही कहना चाहूँगा जैसे मेरे बड़े भाइयों ने कहा कि बहुत अच्छी पहल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, और जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन किया और इस महामारी से देश को बचाने का पूरा प्रयास किया, और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हो चुके हैं। बस कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जो हम लोग बरत रहे हैं और आगे भी बरतेंगे। लेकिन पैकेज जो आया है ये 20 लाख करोड़ रुपये का, इसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए हमें अभी कोई भी ऐसी मालूमात या जानकारी नहीं मिली है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए कुछ किया गया हो। जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग का फिटनेस है, टैक्स है, परमिट है, जो एक्सपेंस हैं, जो खड़ी गाड़ियों पे हमने पिछले महीने भी दिए हैं और हमें लगता है हमें आगे भी खड़ी गाड़ियों पे ही देने होंगे। तो सरकार इस बारे में कुछ सोचे सर। क्या नाम भाई साहब आपका? शोएब खान। शोएब भाई, किस चीज़ का काम है? बुक बाइंडिंग वर्क। क्या मानते हैं जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है आप लोग के लिए किस तरीके से लाभदायक है या हानिकारक है, क्या है उसमें? सर देखिए, पहली बात तो ये, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ये सारे व्यवसाय बंद हो चुके हैं लगभग, उसके हिसाब से अब मोदी जी का ये बहुत अच्छा कदम है जो लॉकडाउन उठाया था, करा था ये,
और अब देखिए किस तरीके से पैसा ये जो बजट बनाया है इन्होंने, किस फील्ड में जाता है, नहीं जा पाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हमारे काम के लिए अभी इसमें कोई इस चीज़ की कोई, मैं समझता हूँ, बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बाकी देखिए साहब क्या रहता है और किस तरीके से क्या होगा इनका। देखिए कुछ अलग अलग ट्रेडों के व्यापारी थे जिनको आपने सुना, और साफ तौर पर इनका कहना था कि कुछ नाराज़ हैं तो मोदी जी की सराहना भी कर रहे हैं, खुश भी हैं। साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि भाई जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज आया ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन कुछ जो ट्रांसपोर्टर थे, कुछ बुक्स विक्रेता थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं आस थी कि हमारे लिए भी कुछ होगा, लेकिन ऐसा ऐलान अभी नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा पैकेज में अभी नहीं कुछ दिखाया गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं व्यापारी थोड़ा मायूस भी है, तो बहुत सारे व्यापारी मोदी जी के जो ये निर्णय लिया गया है उस पर बहुत खुश भी हैं। हम कुछ और व्यापारियों से भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साहब आलोक अग्रवाल। ये बताइए 22 लाख करोड़ का पैकेज आया मोदी जी का, तो मोदी जी के पैकेज में आपको क्या लगता है, आपके फायदे का क्या आया है? मोदी जी ने पैकेज अच्छा निकाला है, लेकिन इसमें लेबर क्लास का फायदा है, प्लस जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनका फायदा है, प्लस बड़े आदमी का। हम लोग की गिनती मिडिल क्लास में आती है, कोई फायदा नहीं है इससे। अभी हम लोग को ये सर्टिफिकेशन नहीं हुआ कि हमारे मतलब क्या है, ऐसी इंडस्ट्री के लिए दिया है। हम लोग इतनी GST देते हैं, कंट्रेस देते हैं, उसके बाद भी नहीं मालूम हमें क्या क्या मिलना है, क्या देना है, क्या करना पता ही नहीं है, और उसमें कोई फायदा भी नहीं दिख रहा है। क्या लगता है GST में छूट होनी चाहिए थी? छूट होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जो शराब की दुकानें हैं, मेरा शराब के ढेके भी हैं, शराब की दुकानें हैं जो 43 दिन का गवर्नमेंट ने और जगह सोची है, जो फीस जमा करी है कायदे में 43 दिन का वापसी होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो जो 20% बढ़ा के ठेके शराब के रिन्यू कराए थे इन लोगों ने, उसमें कोरोना के मारे सेल 30-35% शराब भी कम हो गई है इधर आके बिक्री, तो उसमें छूट होनी चाहिए। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र आहूजा है। जितेंद्र भाई, ये बताइए जो मोदी जी का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आया है, इसमें क्या लगता है व्यापारियों के लिए, उन्होंने सही डिसीजन लिया? इसमें आम नागरिक के लिए, आम व्यापारी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। इससे छोटे उद्योग वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बट अभी जो माहौल ऐसा है, महामारी से हमारा देश गुजर रहा है, इसके अंदर ऐसा पैकेज की घोषणा करना हर व्यापारी के लिए बहुत ही एक सम्मान वाली बात है कि हर व्यापारी का, उन्होंने हर छोटे नागरिक का, बड़े का, सबका ख्याल रखा और उन्होंने ये जो पैकेज दिया है, ये मैं समझता हूँ एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या नाम भाई साहब? गुरशरण सिंह है मेरा नाम। किस चीज़ का व्यापार है? हौजरी का, हौजरी होलसेल का मैन्युफैक्चरिंग भी है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया मोदी जी का, जी जी, क्या मानते हैं आप लोग के लिए किस तरीके से फायदेमंद है? जो भाई पैकेज बहुत बढ़िया 20 लाख करोड़ का, और इतने आपदा के टाइम पे इतना बढ़िया पैकेज दिया है उन्होंने, ये रीढ़ की हड्डी काम करेगा इस पीरियड में, और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। कि GST को लेकर आप का कोई सर? GST अभी उन्होंने कुछ सजा दिया, GST कम होनी चाहिए कि नहीं, उसमें कोई ना कोई रियायत मिलनी चाहिए, अभी उन्होंने क्लियर किया नहीं है कुछ भी नहीं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है राजेंद्र अरोड़ा। किस चीज़ का व्यापार है आपका? मैं रेडीमेड एवं चप्पल फल एसोसिएशन जिला अस्पताल रोड बरेली का अध्यक्ष हूँ, और हमारे फल लगते हैं, फिलहाल हट गए हैं, और अब इसके आगे लॉकडाउन चल गया, मगर हमारे मोदी जी जो इसमें देश के रक्षक बने हुए हैं, अब मैं तो व्हाट्सएप पर भी इनका डाला है, इनका जो लोकल इज वोकल वो बहुत ही अच्छा संदेश है हमारे भारत के लिए, और मेरा मानना यह कि अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बहुत जल्द आ जाएगी। क्या नाम भाई साहब? रुपेश खंडेलवाल। किस चीज़ का बिजनेस है? हार्डवेयर होलसेल। हार्डवेयर का। ये बताइए जो मोदी जी का जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, उसे क्या मानते हैं और आपके लिए कितना लाभदायक है वो? लाभदायक तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। क्या नाम भैया? मनीष खंडेलवाल। मनीष जी, ये बताइए 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है मोदी जी का, क्या मानते हैं आप लोग के लिए कितना लाभदायक है वो? बिल्कुल पूरा लाभदायक में मिलेगा, क्योंकि उसका भाई लघु उद्योग और सब लोगों पे फ़ायदा मिलेगा, लोन मिलेगा जल्दी, और अगर सिक्योरिटी के मिलेगा तो बहुत बहुत अच्छा वो मिलेगा फ़ायदा। GST के लिए बात नहीं हुई है अभी तक? हाँ, वो तो थोड़ा सा भाई हमारा वैसे स्लैब 18% में आता है, तो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, तो उससे फ़ायदा मिलेगा, सेल बढ़ेगी हमारे लिए और अच्छा रहेगा।